नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से एक नए सब्जेक्ट भारतीय इतिहास शुरू करेंगे और इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लेक्चर पे नहीं जाएंगे, बल्कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन को फोकस करते हुए उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये चाहिए हिस्ट्री इतिहास। इसका पिता या फादर कौन थे? हेरोडोटस। एक क्वेश्चन यही बन गया, इतिहास के पिता कौन थे? तो हेरोडोटस। अब इसको अध्ययन की सुविधा के लिए कई पार्ट में विभाजित किया गया। प्राचीन भारत, नोट करते चलिएगा दोस्तों। एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, और आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया, फिर इन तीनों को कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, तो इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग 10-15 दिन में पीटी का एरिया कवर हो जाएगा। अब एक एक का विस्तार से सबसे पहले शुरू करेंगे, एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक, सबसे बाद में आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसे भी देखेंगे। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। नोट करते चलिएगा। अब इसको तीन भागों में फिर से विभाजित करेंगे। प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये उस काल को कहते हैं जहां पे अध्ययन के लिए या फिर इतिहास लेखन के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, जैसे पाषाण काल। स्टोन एज, जब आदि मानव पत्थरों को शिकार के लिए, आग जलाने के लिए प्रयोग करते थे, उस काल को
प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, फिर आध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये वो समय काल है जहां पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है परंतु अपठनीय है, यानी पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ भी कह लीजिए। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखिए क्वेश्चन यही पूछ देता है, स्टोन एज दे देगा, हड़प्पा सभ्यता दे देगा, वैदिक सभ्यता दे देगा, या फिर महाजनपद काल दे देगा, और फिर पूछेगा कि प्राग ऐतिहासिक है, आध ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक है। तो आप देख लिए स्टोन एज, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक में हड़प्पा, वैदिक, फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल महाजनपद काल या बुद्ध काल के बाद जिसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक में क्या था, सिर्फ पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उपलब्ध है। आध ऐतिहासिक में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों है परंतु साहित्य जो लिखित साक्ष्य है वो अपठनीय, यानी पढ़ा नहीं जा सका है, तो जो विवरण दिया गया है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। और फिर ऐतिहासिक, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। अब देखेंगे कि इतिहास लेखन में जो सोर्सेज है वो क्या क्या लिया गया है, जो स्रोत है वो क्या क्या है। स्रोत, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या, जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री मिली है, जैसे सिक्के, मृदभांड, इसे क्या पता चलता है, कार्य समय या कालखंड, फिर अभिलेख, ये पुरातात्विक स्रोत। फिर साहित्यिक में क्या, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक में क्या क्या, जैसे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
वेद के अलावे उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब धार्मिक स्रोत हैं इतिहास लेखन के। धर्म निरपेक्ष में देखेंगे देशी और विदेशी स्रोत। चाणक्य का अर्थशास्त्र, मौर्य काल के बारे में सामाजिक दशा, प्रशासन, इन सब के बारे में विवरण मिलता है। फिर कल्हण का राज तरंगिणी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और कालिदास के ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं। फिर विदेशी साक्ष्य में क्या क्या, मेगा अस्थिनिज का इंडिका, इंडिका और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान आया था या फिर हर्षवर्धन के कार्यकाल में वेन सांग आया, तो उन सब का विवरण विदेशी स्रोत में, विदेशी साहित्यिक स्रोत में रखा जाता। तो इन सब को मिला के इतिहास को लिखा गया। अब हम कहां थे, प्राग ऐतिहासिक काल के प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टोन एज में पाषाण काल, इन सब एज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। पीटी में दो चार क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही देख लेते हैं। पूछेगा क्या, कृषि की जानकारी सबसे पहले मनुष्य को कहां से हुआ, मेहरगढ़। कृषि मेहरगढ़, एक क्वेश्चन ये दसों बार पूछ चुका। फिर पशुपालन, बागौर राजस्थान और कभी कभी पूछ देता है कि मानव का प्रथम साक्ष्य भारतीय इलाके में कहां मिला, तो मानव साक्ष्य, ये नर्मदा घाट। यही तीन क्वेश्चन बार बार पूछता, इसमें एग्रीकल्चर वाला लगभग रिपीट मारते रहता, तो बहुत ज्यादा स्टोन एज से क्वेश्चन बनता नहीं है। कई बार पूछ देता है नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण कालीन जितने भी स्थल है और वो राज्य ये कहाँ है, या फिर उस वहां पे अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं तो उन सब चीज को
पूछ देता है जैसे देखते हैं। पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, और नवपाषाण काल नियोलिथिक। फिर ताम्रपाषाण काल, या धातु काल कह लीजिए। तो इसको चालकोलिथिक बोलते हैं। तो ताम्रपाषाण और नवपाषाण इन दोनों से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बाकी पूरा पाषाण काल के समय मानव एकदम घुमक्कड़ थे, और ये कोई अस्थाई निवास नहीं था। अस्थाई निवास मानव का तब हुआ जब कृषि की शुरुआत हुई। इस समय सामूहिक शिकार करते थे और महीनों तक चलते रहता था, एक ही बार शिकार हुआ। मतलब कोई आज के तरह स्थायी निवास नहीं था, घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। आज यहाँ कल वहां, जहां मिल गया शिकार। फिर मध्यकाल आते आते जहां भी रहे ये गुफा में रहना शुरू किए, और गुफा में उस समय के चित्र कई मिले हैं, लेकिन अभी भी उसे भी पढ़ा नहीं जा सका। नवपाषाण काल आते आते कृषि की शुरुआत हुई और अस्थाई जीवन प्रारंभ हुआ। तो अब तक क्या क्या देखिए, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में बांटा गया है। वैसे तो तीन है, लेकिन फिर भी हम चार मान लेते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों का आर्ट एंड कल्चर एवं कला एवं संस्कृति, और विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास से पीटी से कोई क्वेश्चन रहता नहीं। फिर प्राचीन इतिहास को तीन भागों में, प्राग ऐतिहासिक यानी वो कालखंड जिसके जिसके लेखन के लिए सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है, आध ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य है परंतु साहित्यिक साक्ष्य जो है वो अपठनीय है, जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर साहित्यिक यानी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। फिर स्टेन एज यानी पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को देखें। तो इस तरह से मोटा मोटी एक आइडिया हो गया, जैसे इंट्रोडक्शन क्लास है। अब सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से पीटी का क्वेश्चन बनना शुरू होता है सही मायने में। इसमें क्या क्या पूछता है, प्रमुख स्थल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जितने भी कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, हरप्पा, मोहनजोदड़ो, जितने भी साक्ष्य हैं और जितने भी उत्खनन से प्राप्त सामग्री मिला है, जैसे लोथल से कुछ पूछ दिया या मेहरगढ़ से कुछ पूछ दिया। खैर मेहरगढ़ को तो पूर्व में रखते हैं, फिर भी मोहनजोदड़ो, हरप्पा, धौलावीरा ये करेंट में चर्चा में है क्योंकि यूनेस्को में शामिल किया गया था।
लोथल। और भी लगभग 1400 स्थल है, उतना देख नहीं पाएंगे, लेकिन मेन मेन वो जरूर देखेंगे जिनसे पीटी में क्वेश्चन आते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में लगभग सभी टॉपिक को देख लिए। अब प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से फुल क्लास कल से चलेगी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राचीन भारत के इतिहास जब कल से शुरू करेंगे एक एक टॉपिक वाइज, तो कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काली से छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं, जो रहता था वो आप देख लिए। सिंधु घाटी सभ्यता यहां से शुरू करेंगे कल से। फिर वैदिक सभ्यता, प्री पोस्ट सत्रह सौ पचास, 2350 से 1750, और ये 1500 से 600 BC, यानी इसमें 1500 से 1000 तक ऋग वैदिक और 1000 से 600 उत्तर वैदिक का। फिर महाजनपद, बौद्ध एवं जैन, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, फिर गुप्त। क्वेश्चन इनमें से कहां से, सिंधु घाटी से सभ्यता से हर एक स्थल से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछता ही पूछता है। वैदिक काल से पूछ देता है नदियों के नाम जो अभी वर्तमान में है, उस समय क्या नाम था, या फिर उस समय के शब्द, या फिर राजनीतिक संरचना जैसे सभा समिति विदथ गण, इन सब से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर महाजनपद काल में पूछता कैसे है कि अभी वर्तमान में जो जिले हैं किसी राज्य का वो और उस समय का क्षेत्र, या फिर राज्य का नाम दे देता है और पूछता है कि इसका जिला कहाँ है। फिर बौद्ध से तो क्वेश्चन हर लाइन से बनेगा, जब बौद्ध पढ़ेंगे तो देखेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे बौद्ध से, ताकि कोई छूटे नहीं। फिर जैन, मगध, 16 महाजनपद में एक मगध कैसे सारे पीछे छूट गए और ये कैसे आगे बढ़ा, ये देखेंगे। और इस पे जितने भी शासक होंगे वो सबसे ज्यादा मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, फिर गुप्त पीरियड में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर दो टॉपिक और कवर करेंगे इसमें, प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीक, सॉरी तकनीक, और कला एवं संस्कृति। तो इतने टॉपिक कवर की जाएगी, तो आज की क्लास में शब्दों से परिचित हो गए, और इसको बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि दिमाग में एक्सेप्ट रहे कि अगले जो 4-5 दिन क्लास चलने वाला है वो क्या क्या चलेगा। चलिए दोस्तों, रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में।